जबलपुर से बड़ी खबर, जहां जूनियर डॉक्टर्स की हड़ताल को लेकर मीटिंग और थोड़ी देर में हाई लेवल कमेटी की मीटिंग होगी। बड़ी जानकारी, हाईकोर्ट के आदेश के बाद हाई लेवल मीटिंग होनी है। आपातकालीन सेवाओं के लिए जूनियर डॉक्टर तैयार है। हाईकोर्ट ने डॉक्टरों को हड़ताल समाप्त करने के निर्देश दिए हैं। इसके साथ ही मंगलवार को मामले की अगली सुनवाई भी होनी है। तो कोलकाता में ट्रेनी डॉक्टर से रेप मर्डर की घटना के बाद देशभर में डॉक्टर्स की हड़ताल जारी है। कोलकाता से लेकर भोपाल, रायपुर में भी डॉक्टर्स का हल्ला बोल देखने को मिल रहा है, और जिसकी वजह से नामी अस्पतालों में ओपीडी समेत कई सेवाएं और मरीज परेशान हैं। देखिए रिपोर्ट। कोलकाता से लेकर दिल्ली तक डॉक्टर्स हड़ताल पर है। वे अपनी सुरक्षा की मांग कर रहे हैं। भोपाल से लेकर रायपुर तक भी डॉक्टर्स का प्रदर्शन देखा जा सकता है। कोलकाता में ट्रेनी डॉक्टर से रेप मर्डर की घटना के आठवें दिन देश भर में डॉक्टर्स की हड़ताल जारी रही। कोलकाता के आरजी कर मेडिकल कॉलेज के बाहर डॉक्टर्स ने प्रदर्शन किया और सुरक्षा की मांग की। देखिए, 9 तारीख की रात को ये घटना हुई है, सामूहिक बलात्कार और हत्या हुई है, लेकिन आज एक हफ्ता हो चुका है और अभी तक जो कातिल हैं, जो रेपिस्ट हैं, वो सारे के सारे सामने नहीं आए हैं। तो ये जो सीबीआई के पास इंक्वायरी गई है, ये तेज होनी चाहिए और हथियारों को जल्द से जल्द फांसी की सजा सुनाई जानी चाहिए। कोलकाता की घटना को लेकर डॉक्टर्स लगातार सुरक्षा की मांग कर रहे हैं। 14 अगस्त की रात कोलकाता के आरजी कर मेडिकल कॉलेज में हुई हिंसा के बाद से डॉक्टर्स की हड़ताल जारी है। आईएमए ने शनिवार के लिए इमरजेंसी सेवाएं छोड़कर अस्पतालों के कामकाज बंद करने को कहा था। आईएमए चीफ ने कहा था कि हमारी मांग है कि डॉक्टरों की सुरक्षा सुनिश्चित की जाए। इसके बाद शनिवार को सरकारी अस्पताल ही नहीं, प्राइवेट अस्पतालों की ओपीडी भी बंद रही। मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ में भी डॉक्टर्स की हड़ताल का असर देखा गया। राजधानी भोपाल समेत इंदौर, ग्वालियर, जबलपुर और कई शहरों में जूनियर डॉक्टर्स ने काम बंद किया। अस्पतालों में इमरजेंसी सेवाओं को छोड़कर ओपीडी सेवाएं बंद रही तो मरीजों को परेशान होना पड़ा। ग्वालियर के जयारोग अस्पताल में डॉक्टर्स ने प्रदर्शन किया तो दूसरी तरफ मरीज परेशान होते देखे गए। ओपीडी बंद होने से और समय पर इलाज न मिलने की वजह से जयारोग अस्पताल में एक मरीज की मौत हो गई। यही हमारी एक समाज की कमी है। अभी आम जनता को ये लग रहा है कि ये चिकित्सीय आंदोलन है, डॉक्टरों के साथ कोई नाइंसाफी हुई और उसको इंसाफ मांगने के लिए बैठे हैं। मैं आपको बता देना चाहता हूँ, महिला चिकित्सक में से अगर चिकित्सक पद हटा दिया जाए, चिकित्सक तो उसके लिए एक अलंकरण था, वो एक महिला थी, किसी घर की बेटी थी, उसके माँ बाप भी उसको पला लिखा कर बड़ा बनाना चाहते थे। जबलपुर में भी ऐसा ही हाल देखा गया। जूनियर डॉक्टर्स की हड़ताल की वजह से